हेलो एंड वेलकम टू अनुज गर्ग कोचिंग। 8 मार्च 2018 के द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम तीन मुख्य संपादकीयों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तीन अलग अलग संपादकीय। एक में जहां लेखक अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत किस ओर आगे बढ़ रहा है, भारतीय लोकतंत्र किस ओर आगे बढ़ रहा है, गांधी जी के ग्रैंडसन गोपाल कृष्ण गांधी इस पे अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि वेयर इज द इंडियन डेमोक्रेसी हेडिंग। एक ऑडिटोरियल में लेखक बात करते हैं कि किस प्रकार से श्रीलंका में उथल पुथल चल रही है और जो अल्पसंख्यक मुस्लिम माइनॉरिटी है वो किस प्रकार से हिंसक हमले उनके खिलाफ हो रहे हैं। और तीसरे एडिटोरियल में बेंगलोर में जो एक नया टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन की बात चल रही है जिसमें सोलर एनर्जी की बात की गई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व की ऊर्जा से संबंधित तो जो जरूरतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो हमको अलग अलग एनर्जी सोर्सेस को अलग अलग रिप्लेसमेंट को देखना होगा। तो एनर्जी सोर्स के बारे में मेनली सोलर पावर के बारे में बात की गई है। पहला जो एडिटोरियल है हमारा आज का जिसमें व्लादिमीर लेनिन की बात की गई है जो रशियन क्रांतिकारी या रशियन साम्यवादी से जुड़े हुए हैं। रशिया में साम्यवाद का स्थापना करने का श्रेय जिनको जाता है उनके बारे में बात की गई है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जब बीजेपी गवर्नमेंट ईस्ट में जीती है, त्रिपुरा में जो व्लादिमीर लेनिन का एक स्टेच्यू था उसको डिमोलिश कर दिया गया है, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। तो लेखक इस पे अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि भारत किस ओर आगे बढ़ रहा है, भारतीय लोकतंत्र किस ओर आगे बढ़ रहा है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब लेनिन यदि आए हैं तो साम्यवाद के बारे में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। व्लादिमीर लेनिन की जब हम बात करते हैं तो रशियन रेवोल्यूशन रूसी क्रांति जो कि आपकी यूपीएससी के वर्ल्ड हिस्ट्री का जीएस मेंस में और ऑप्शनल में पूरा एक सिलेबस का टॉपिक भी है, तो यहां से हम आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो लेखक ने अलग अलग चिंताएं व्यक्त की है, लेखक ने इसमें गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज किया है और लेखक ने बोला भी है कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीन क्या होता है और हम किस तरफ आगे प्रस्थान कर रहे हैं गवर्नमेंट की कड़ी आलोचना करते हुए। और लेखक ने बताया भी है ये सारी चीजों का होना भारत की नहीं बल्कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों की ये अज्ञानता इग्नोरेंस को दर्शाता है कि व्लादिमीर लेनिन जिन्होंने उस समय 1917-18 में भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, भारत में जिस प्रकार का स्वतंत्रता संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था, उन्होंने उसको प्रेस किया और बोला कि भारत जो कर रहा है या जो गुलामी की दास्ता से वो मुक्त होना चाहता है इस प्रकार के कदम बड़े अप्रिशिएटेबल है। तो भारत के जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो इसको भूल के, क्योंकि साम्यवादी पार्टी को वहां पे हराया गया है त्रिपुरा में ईस्ट में, तो ये जो एक फिगर है कम्युनिज्म का लेनिन उनको डिमोलिश कर रहे हैं, तो ये तो किसी अज्ञानता को ही दर्शाता है ऐसा लेखक बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा और थोड़ा बहुत मैं आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेनिन ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे किस प्रकार से प्रभाव डाला या क्या उनके विचार थे इसको भी मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। द हिंदू में हालांकि लेनिन ने भारत में क्या प्रभाव डाला भारत के आंदोलन पे, इस पे बहुत प्रत्यक्ष बात इस एडिटोरियल में नहीं की गई है, लेकिन कल के छपे 7 मार्च के छपे द इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में बात की गई थी। मैंने उसकी लिंक भी नीचे शेयर कर रखी है, तो उसके कुछ 2-3 पॉइंट भी हम मिक्स करके इसमें देखेंगे ताकि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बने इस टॉपिक की। लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक का नाम है बी अलर्ट टू ऑपरेशन धक्का ऑन द टॉपलिंग ऑफ लेनिन स्टैच्यू। द टॉपलिंग ऑफ द लेनिन स्टैच्यू इन त्रिपुरा इज ए रिमाइंडर ऑफ द ग्रेव डेंजर टू इंडियन डेमोक्रेसी। ऑपरेशन धक्का का मतलब यहां पे लेखक ने बताया है कि पास्ट के बहुत सारे इवेंट्स की, पहले तो मैं आपको बता दूं लेखक इसमें बात करते हैं अलग अलग इवेंट्स की बात करते हैं। जब डिमोलिश स्टेच्यूज या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कोई धार्मिक संस्थान को देखने को मिलता है, ऑपरेशन धक्का मतलब डिमोलिश करो इसको हटा दो, तो ये लेखक बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता की बात है।
आखिरकार ये चल क्या रहा है? पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट के जज आके भी भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र के समकक्ष जो समस्याएं हैं या भारतीय लोकतंत्र किस ओर आगे बढ़ रहा है इसके बारे में बात करते, तो ये इस चीज पे बात करते हैं कि भारत का लोकतंत्र किस ओर आगे बढ़ रहा है। पढ़ना शुरू करते हैं। देयर वन मोमेंट गॉन द नेक्स्ट स्टेच्यू ऑफ विलामदीर इलियच इलियनोव लेनिन नॉन इंटरनेशनली एस लेनिन मार्च 5, 2018 त्रिपुरा भारत माता की जय सैफ्रोन स्पोर्टिंग मैन येल्ड एज दे फेल्ड द स्टेच्यू ऑफ द रशियन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी। कुल मिला के केवल एक ही बार स्टेच्यू नहीं, उसके तुरंत बाद एक और बार लेनिन का जो रूसी क्रांतिकारी साम्यवाद के जो प्रतिपादक रहे उनका स्टेच्यू को हरा दिया गया, क्योंकि 25 साल बाद बीजेपी ने अपनी सरकार या बीजेपी ने अपनी सरकार की वहां पे स्थापना की ईस्ट में त्रिपुरा में, और उसका नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन की खुशी में जो कुछ लोग थे उन्होंने लेनिन का जो साम्यवादी साम्यवाद के एक फिगर रहे, रूसी साम्यवाद के एक फिगर रहे, उनके स्टेच्यू को डिमोलिश कर दिया। तो ये क्या चल रहा है? ऐसा लेखक बोलते हैं, सेंस ऑफ इग्नोरेंस, इट डिड नॉट मैटर टू देम दैट द लेनिन हैड हेल्ड द सेम भारत फॉर स्ट्रगलिंग टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक एंड इंडिजिनस योक्स। इट डिड नॉट मैटर टू देम that Lenin had been the inspiration to generations of Indians, leaders and led in their strivings for a just Bharat. What mattered to them was that Lenin had inspired the Communist Party of India, Marxist-led government in that northeast state. Kul mila ke is pure lekh mein, jo abhi humne padha sentence, usme lekhak bolne ki koshish karte hai ki jo log isme involved hain, उसकी उन लोगों की ये अज्ञानता इग्नोरेंस को, सेंस ऑफ इग्नोरेंस को दर्शाता है, अज्ञानता को दर्शाता है। उनके लिए, उन लोगों के लिए जो इस कृत्य में शामिल है, उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना कंट्रीब्यूशन या लेनिन ने भारत के पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन में संघर्ष में किस प्रकार का प्रभाव डाला। उनको इससे मतलब नहीं है कि किस प्रकार चीजें चली, उनको इससे मतलब है, लेखक ऐसा बोलते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन या लेनिन ने भारत की साम्यवादी पार्टी सीपीआई को फॉर्म करने में कंट्रीब्यूट किया। 1920 में भारत के जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की जो संस्थापक थे वो 1920 में जाके लेनिन से भी मिले थे। तो चूंकि ये स्थापना होती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इससे थोड़ा सा नाराज कुछ लोग हैं, ऐसा लेखक बोलते हैं, ये डिमोलिश कर दिया। उन लोग को इस बात से मतलब नहीं है, सेंस ऑफ इग्नोरेंस का प्रदर्शन होता है कि लेनिन का क्या भारत के रिस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन रहा। आइए एक एक करके उन कंट्रीब्यूशन को या लेनिन का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पर क्या सोच थी, क्या प्रभाव रहा, उसको पढ़ते हैं। लेनिन ऐसा बोलते हैं, आई एम ग्लैड टू हियर दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द लिबरेशन ऑफ द ऑपरेशन नेशन फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन बाय द फॉरेन एंड द नेटिव कैपिटलिस्ट प्रोक्लेम्ड बाय द वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिपब्लिक हैव मेट विद सच ए रेडी रिस्पॉन्स अमंग प्रोग्रेसिव इंडियंस हु आर वेजिंग ए हीरोइक फाइट फॉर फ्रीडम। दूसरा पढ़ते हैं, फॉर द रेवोल्यूशनरी लीडर एन इंडियन फ्री फ्रॉम एन ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल वॉज एन नेसेसरी प्रीक्विस्ट फॉर ए डिसिसिव डिफीट ऑफ एन एक्सप्लोइटेटिव कैपिटलिस्ट सिस्टम। एक और पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। डिस्कसिंग अबाउट इंडिया लेनिन शावर्ड प्रेसेस अपॉन द नेटिव्स हु इन द अर्ली इयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी हैड राइजन इन रिवेलियन अगेंस्ट द सिविलाइज्ड ब्रिटिशर्स। कुल मिला के लेखक ऐसा बोलते हैं कि भारत में जिस प्रकार से स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, जिस प्रकार से सो कॉल्ड सिविलाइज्ड ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत में जनसंघर्ष चला हुआ, जिस प्रकार से पूरा एक जन आंदोलन चला, ब्रिटिशर्स को भारत से खदेड़ने के लिए जो स्वतंत्रता संघर्ष चला, जो भी वो चला, लेनिन उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेनिन ऐसा भी बोलते हैं कि भारत जो कि पहले एक गोल्डन एरा भारत का रहा था, ब्रिटिशर्स ने लूट लूट के ड्रेन ऑफ वेल्थ कर करके उसको बर्बाद कर दिया है। तो
तो ये गुलामी की दास्ता से पूरा एशिया ही नहीं, पूरा विश्व के जो शोषणकारी चीजें हैं या जो शोषणकारी पूंजीवाद है उससे ये देश अपने आप को बाहर करते हैं, तो ये बड़ी अप्रिशिएटेबल बात है और भारत बड़ा कमेंडेबल जॉब कर रहा है। क्या बात है, ऐसी बात तो 1857 की क्रांति से पहले साम्यवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स भी बोले थे। कार्ल मार्क्स जो साम्यवादी विचारधारा के सबसे प्रथम प्रतिपादक थे, 1853 में 1857 की क्रांति के 4 साल पहले ही ये घोषणा कर देते हैं भारत में एक बड़ी सामाजिक क्रांति आने वाली है, इंग्लैंड बच के रहो। 1857 की क्रांति के 4 साल पहले 1853 में कार्ल मार्क्स ऐसा बोल देते कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन इंडिया, चीजें अच्छी घटित नहीं हो रही है, इंग्लैंड ने पूरा का पूरा जो सामाजिक ढांचा है भारत का, जो सामाजिक सोशल फ्रेमवर्क है, उसको तहस नहस कर दिया है, जो कि एंटीक्विटी से अनंत काल से नहीं हुआ, अनेकों राजा आए अनेकों राजा गए, ये चीजें कभी प्रभावित नहीं हुई। इंग्लैंड ने जिस प्रकार की नीति भारत पे अपनाई है, जल्दी भारत में एक सामाजिक क्रांति आने वाली है और 4 साल में वो आ गई सामाजिक क्रांति। तो इंग्लैंड के जो ऑप्रेसिव मेजर्स रहे थे उसके खिलाफ जो भारत की जनता उठ खड़ी होती है कि हम अब इस गुलामी की दास्ता से मुक्त होंगे, लेनिन उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो कुल मिला के यही बोलना चाह रहे कि किस प्रकार का सेंस ऑफ इग्नोरेंस भारत के जो भारत के लोग नहीं जो इस एक्ट में इन्वॉल्व है वो बता रहे, और लेनिन का जो भारत के संदर्भ में हमने जो वार्तालाप है या जो उन्होंने कहा उसको भी देखने की कोशिश की। तो लेखक अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि वेयर इज द इंडियन डेमोक्रेसी हेडिंग, और सरकार को ऐसी चीजों से निमटने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। ये लेखक ऐसा बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी डज नॉट टेल द पीपल टू नॉट लेट द एंटी सोशल द एंटी डेमोक्रेटिक बुली टेक द लॉस इनटू हिज हैंड्स एंड होल्ड पीस टू रैनसम। कुल मिलाकर लेखक ऐसे बोलना चाहते हैं भारत एक लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक देश में अलग अलग विचारधाराएं बहुत समय से चलती हुई आ रही है। भारत में अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग ज्योग्राफी के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग क्योंकि भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, विविधता है, बहुत समय से कोएग्जिस्ट पीसफुली करते हुए आ रहे हैं। इतिहास में भी हमको ये देखने को मिलता है। तो ये किस प्रकार हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लोग बाग कानून अपने हाथ में उठा लें। तो ये कुछ लेखक इसमें बोलते हैं। तो समझने की कोशिश की हमने, थोड़ा रशिया के रशियन रेवोल्यूशन और व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ा, भारत के क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, फिर थोड़ा कार्ल मार्क्स को देखा। तो ये आप जाके भी पढ़े इसके बारे में, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की दोनों की लिंक मैंने दी हुई है, आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। सेकेंड, आपका जो पूरा एडिटोरियल है उसमें श्रीलंका में जिस प्रकार की अल्पसंख्यक मुस्लिमों के खिलाफ, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो हिंसा की वारदातें चल रही है उसके बारे में लेखक बोलते हैं। ये हिंसा की वारदातें दरअसल कैंडी डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी। बहुत इजी आर्टिकल है, आप पढ़ोगे उसको तो समझ में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीजें नहीं होना चाहिए, इसके बारे में लेखक बात करते हैं। तो आप ये पूरे एनालिसिस वीडियो अटेंड करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, वहां से काम की शुरुआत होती है। अब आपको क्या करना चाहिए कि इन रिस्पेक्टिव एडिटोरियल्स को जाके आपको पढ़ना चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए, तभी आप इनका भरपूर फायदा उठा पाओगे। हमने देखा पिछले 2 एडिटोरियल यदि हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपके पूरे के पूरे आप पॉइंट्स यूज कर सकते हो। आज का जो एडिटोरियल है उसमें हमने देखने की कोशिश की थोड़े से हिस्ट्री को, कार्ल मार्क्स के जो कहा था उनके बारे में। तो आप इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, तभी आप इसका भरपूर फायदा उठा पाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।